प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन। अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये हो सकता है शासन कांग्रेस का होगा मगर जिला परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। चार पंचायत समितियों में हमारे प्रधान बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर लाएंगे और जिला परिषद में कमीशन खोरी को बंद करेंगे। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। अधिकारी मेरी कान खोल कर बात सुन ले। सरेआम मन से कह रहा हूं कि वो सुधारने की प्रक्रिया इस जिला परिषद में पीछे शुरू कर दे। इसलिए इस जिला परिषद के मंच से और विशेष रूप से मैं कन्हैयालाल जी एमपी सावर जिलाध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने इस पद पर नवाज और दोबारा जिला प्रमुख बनाया है। मैं आपके माध्यम से सबका धन्यवाद करता हूं और माननीय मोदी जी की जो योजना है उन सबको मानते हुए आज सारे किसान इस बात को मानते हैं कि जिस हिसाब से किसानों को जो करीब 70% किसान है जो उनको सम्मान उन्होंने दिया है आज उनको सबको एक्सेप्ट करते हैं। कांग्रेस घड़ियाले आंसू बहा रही है कि कभी किसानों को बहाने लेती है कभी किसी के लेती है लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो योजना दी है उन सबको मानिए प्रधानमंत्री की नीतियों को मानते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है कांग्रेस के लिए बीजेपी के ताबूत में आखिरी मैं समझता हूँ जो उन्होंने खूब जोर लगाया। मैंने अभी उदाहरण दिया था कल बॉर्डर पर करीब 15 गाड़ियाँ खड़ी थी कोई 20-30 लोग सोए हुए थे। किसान कोई भी नहीं है जो सच्चाई है वो किसान भी मानता है हम सब भी मानते हैं कि किसान के लिए आज से पहले कभी भी ये योजना नहीं दे पाई थी चाहे वो 6,000 रुपये देने की बात हो चाहे उसकी बीमा की बात हो चाहे उसका फसल खराबे का पैसा देने की बात हो बहुत पैसा दिया है। मैं समझता हूँ हरियाणा पंजाब की बात यह है कि जो कांग्रेस का शासन है पंजाब के अंदर में वहाँ से हमारे सरदार भाई चले हैं बात को समझने की कोशिश करें उनमें कई चीज़ और घुस गई हैं जिससे उस बात को उग्र रूप दिया जा रहा है। किसान की अगर बात करें तो मैंने बताया एक एक चीज़ पर डिस्कशन करें। आज से पहले कभी भी न फसल बीमा के इतना पैसा मिला था न फसल खराबे का मिला था। आज किसान जिस बात करें सरदारों की जो बात आ रही है उसमें सिर्फ ये पंजाब के किसान की जो पराली के ऊपर जो बात आ रही है उनको वो दर्द है तो उसका कोई ना कोई प्रदेश की गवर्नमेंट व्यवस्था करे ताकि उनको खाद बनाया जाए उनके ऊपर ऐसी पेनल्टी ना पड़े वो है बाकी किसान खुश है। खासतौर पर विकास का जिला परिषद में भाजपा का दोबारा विकास की क्या योजना आगे मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हमने अभी बताया बिजली पानी सड़क सब चीज़ के लिए पंचायत समिति में और जिला परिषद में सारी योजनाएं आती हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना भी जाती है तो जिला परिषद के टेबल से ही जाती है। मैं समझता हूँ जो कोई गांव बच रहे हैं उन सबको जोड़ने की बात करेंगे। घर घर तक पानी पीने की योजना वो हमने योजना की घोषणा कर दी माननीय प्रधानमंत्री ने हमें पैसा दिया है उसके लिए हम घर तक नल से जल दे देंगे। तो ये सारी योजनाएँ ऐसी हैं जो जिला परिषद और पंचायत समिति और सांसद के बीच में विधायक की कड़ी टूट गई नहीं तो हमारा सारा राज होता हम फिर दोबारा काम। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट।